अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, मैं आज आपको बताऊंगा तालिबात कंपनी के बारे में। अगर आप बाइक राइडर की जॉब लेना चाह रहे हैं दुबई में रह के, या आउट ऑफ दुबई हैं, अपने कंट्री में हैं, तो दुबई आके तालिबात कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी क्या होती है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है उसका, ठीक है, वो सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं दो टिप्स दूंगा। किसी एजेंट के थ्रू आपने नहीं आना है, आपको पहले भी हम वीडियो में दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं कि अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो किसी एजेंट के थ्रू नहीं आना, क्योंकि वो बहुत जलील करते हैं, उसका आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा ये है कि मेरी एक बॉय से, डिलीवरी बॉय से बात हुई है, तो जैसे कि आपको अभी यहाँ दिखा भी सकते हैं, ये रहा बाइक उनका, जगह जगह पे खड़े हैं और इसकी काफ़ी डिमांड है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जी, मैंने उस बाइक राइडर से पूछा था कि आप कितना अर्न कर लेते हो, एक दिन के कितने ऑर्डर वगैरह कर लेते हो, तो उसने मुझे बताया था, इंशाल्लाह इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा उसके साथ ही, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था जिस वजह से हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए थे। उसने कहा था हम एक दिन का 20 से 22 या 25 ऑर्डर भी कर सकते हैं और करते भी हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो न्यू राइडर होगा वो 15 से 16 राइड करेगा, क्योंकि वो न्यू होता है शहर में तो उसको थोड़ा समझने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो थोड़े पुराने हो जाते हैं 2-3-4 महीने लगा के, जिनको काफ़ी समझ भी आ जाती है, गूगल मैप का यूज़ सही से कर लेते होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, 20 से 22 ऑर्डर कर लेते हैं। तो इतने में तकरीबन एक ऑर्डर जो है वो 7 दिरहम या 8 दिरहम का कह रहे हो, इतने का होता है नॉर्मली। जो होता है, जो उसके लॉन्ग डिस्टेंस वाला होता है वो तकरीबन 8 या 9 दिरहम का होता है। तो अगर उनकी सैलरी की बात कर जाए तो उनकी पहले मतलब फ़िक्स नहीं होती, क्योंकि वो ऑर्डर पे ही उनको कमीशन वगैरह भी मिलता है, बेसिक सैलरी उनकी नहीं होती है। तो बाकी पेट्रोल वगैरह उनका खुद का होता है, खाना पीना यह सब कुछ उनका होता है, लेकिन मंथली जो उनकी अर्निंग होती है मैक्सिमम 4000 दिरहम या 5000 दिरहम भी कह सकते हैं, कितने लड़के अर्न कर रहे हैं। तो जिससे मैंने रात को बात की थी वो तकरीबन 4000 दिरहम वो अर्न कर रहा था, जिसमें से खाना पीना और रिहाइश का अगर निकाल दी जाए सब कुछ, तो तकरीबन 2500-2800 दिरहम वो बचा रहा है, वो कह रहा था। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में आपको बताऊंगा, उसकी मैं पूरा इंटरव्यू लूँगा उसका, ताकि मुझसे क्वेश्चन भी कर लें। आपने जो जो भी कुछ पूछना है तालिबात कंपनी के बारे में, तो हम उसको आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या क्या सीन होता है, आपने कैसे आना है यहाँ पर दुबई में, अगर दुबई में है तो उसको कैसे ज्वाइन करना है। तालिबात के अलावा काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं और भी, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल आप कमेंट्स करें जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं उस राइडर से पूछूंगा कि आपने क्या कुछ बोला है, तो देन फिर हमारी वीडियो अपलोड होगी। बस थोड़ी सी टॉपिक था आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़ गाइस, बाय।